8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़े थे हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में। तो आज हम ओजोन डिप्लीशन पढ़ने जा रहे हैं। ओजोन बेसिकली क्या है? O3 ये एक गैस है जो कि लाइट ब्लू इन कलर होती है। स्पेसिफिक इसकी ऑडोर है, स्मेल है, स्पेसिफिक ऑडोर है, स्पेसिफिक स्मेल है जो कि हम फील कर सकते हैं जब लाइटनिंग स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, जब बिजली कड़कती है, उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी स्मेल फील कर सकते हैं। तो ओजोन बेसिकली क्या है? एक लेयर है जिससे जो हमारी ग्लोब है, हमारी अर्थ है, इसको घेरा हुआ है। हमारी अर्थ को घेरा हुआ है, काम इसका क्या है कि ओजोन क्या करती है? जो सनलाइट है, सनलाइट आ रही है हमारी अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, अब इस रोशनी में, इस सनलाइट में होती है यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो कि बहुत हार्मफुल है, जो कि अगर हमारी स्किन पे पड़े तो ये स्किन कैंसर काज कर देगी, हमारी आईज को डैमेज कर देगी, सनबर्न काज करेगी। उसके अलावा नॉट जस्ट ह्यूमंस, जबकि जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगी, फ्रेश वाटर जो एनिमल्स एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय करेगी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लकड़ियों को जो है डैमेज कर देगी, या फाइबर्स है, प्लास्टिक है, उनको डैमेज कर सकती है। तो इतने सारे यूवी रेडिएशन के नुकसान हैं। तो इन यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए अलावा ने हमारे अर्थ के गिर्द जो है इस ओजोन लेयर को इनविलोप कर दिया है, इस ओजोन लेयर को लुपेट दिया है, ताकि ये जो रेडिएशन आ रही है उनको एब्जॉर्ब करे और उनको हमारी जमीन तक ना पहुंचने दे। तो अब ओजोन डिप्लीशन में डिप्लीट होना, खत्म होना, अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ओजोन जो है, ओजोन लेयर O3 ये ऐसा ऐसा डिप्लीट हो रही है या हिस्सा हिस्सा खत्म हो रही है, इसमें होल पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि यूवी रेडिएशन हम पे अटैक कर सकती हैं, स्किन कैंसर काज कर सकती है, एंड मेनी प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस की हैं वो काज कर सकते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन होती कैसे है? जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, दिन ब दिन रेफ्रिजरेटर्स का, अच्छे से अच्छे रेफ्रिजरेटर्स का यूज बढ़ता जा रहा है, रेफ्रिजरेटर्स यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एयर कंडीशनर्स जो कि ट्रेंडिंग होते जा रहे हैं, दिन ब दिन एयर कंडीशनर्स हम यूज कर रहे हैं हमें सहूलत के लिए, या एरोसल स्प्रेज यूज कर रहे हैं, एरोसल स्प्रेज जो उड़ने वाली स्प्रेज है हवाओं में वो यूज कर रहे हैं, डेकोरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एयर फ्रेशनर्स यूज कर रहे हैं। तो उन सब में होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस उनसे रिलीज होती है, पॉइजनस नहीं है लेकिन खतरनाक हो जाता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जब हवा में जाते हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट के बना देते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल जो है, ये क्लोरीन फिर हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और इस ओजोन O3 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और कहा जाता है कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, इट कैन डिस्ट्रॉय 1 lakh ओजोन मॉलिक्यूल। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 lakh ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इस तरह से ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसकी वजह से ओजोन जो है वो टूटती जा रही है और डिप्लीट होती जा रही है। अब जैसे क्वारंटीन था, लॉकडाउन था, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत कम हो चुका था, तो उसकी वजह से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि ओजोन होल जो बना हुआ है, अब वो ओजोन होल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है, भाग रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कम हो गया था, जो है लोगों के सोर्सेस कम हो गए थे, इस वजह से अब ओजोन की हीलिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ओजोन डिप्लीशन जो हो रही है, इसके वजह से स्किन कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं कुछ एरियाज में, कुछ कंट्रीज में, तो ये स्किन कैंसर की बीमारी बहुत आम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो वजह क्या है, ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन डिप्लीट कर रही है, ओजोन टूट रही है, ओजोन खत्म हो रही है, और वो किसकी वजह से रही है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो ये थी ओजोन डिप्लीशन। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।